नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की हमारी नई वैकेंसी निकलने वाली है और 15 अप्रैल से उसके लिए फॉर्म भी भरा जाना है। लेकिन दोस्तों, आपके भी मन में ये बातें आती होंगी कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी है, आरपीएफ कांस्टेबल में कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। हम सब इंस्पेक्टर की बाद में बात कर लेंगे आरपीएफ, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, सर आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी में क्या अंतर है। मैंने दोनों के डिफरेंसेस बता दिया है और सैलरी में भी डिफरेंसेस बता दिया, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपको टोटल कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से डिडक्शन होते हैं और कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलती है और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपको स्टेट पुलिस के नौकरी में नहीं मिलती है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी, तो ये हमारा जो वीडियो है पूरी तरीके सैलरी बेस्ड है। और स्टार्टिंग करते हैं हम आरपीएफ का जो ग्रेड पे है, आरपीएफ का जो ग्रेड पे है अगर आप देखेंगे तो कितना है, 2000। कितना ग्रेड पे है, 2000 ग्रेड पे। और यही 2000 ग्रेड पे आपको किसी भी कांस्टेबल, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, हरियाणा की, किसी भी स्टेट की अगर आप पेस्लिप ये ग्रेड पे देखोगे जब, तो उसमें जो है आपको ग्रेड पे कितना नजर आएगा, 2000 ही नजर आएगा। और ये बेसिक सैलरी जो है, जिसको हम बेसिक पे भी बोलते हैं, ये भी आपका 21,700 ही होगा। तब आप कहेंगे सर तो अंतर क्या हुआ सैलरी में। भाई अंतर है, अंतर है, अंतर मैं बता रहा हूं किस चीज का है। अंतर एक्चुअली है अलाउंसेस का, क्योंकि स्टेट पुलिस में अलाउंस बहुत कम है। अपेक्षाकृत जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, मतलब कांस्टेबल है, ठीक है। चलिए अब हम पे स्केल देख लेते हैं। दोस्तों, पे स्केल पर जब हम नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो मिनिमम स्टार्टिंग होता है वो 21,700 से स्टार्टिंग होता है और ये बढ़ते बढ़ते 69,100 तक जाता है। ये सभी अलाउंसेस को जो है ये माइनस करके है ये, ठीक है। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो इतनी ही होती है। अब देखिए आपको अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं जिसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है अचानक से। चलिए डीए की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये सैलरी से संबंधित जितने भी तथ्य मैं रख रहा हूं आपके सामने, ये 2023 की सैलरी बेस्ड है, ठीक है। 2024 का मेरे पास अभी ताजा डाटा आया नहीं है, चूंकि मैं आरपीएफ में हूं भी नहीं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ये जो डीए है ना, 3-4%, 8% ये और थोड़ा सा बढ़ करके आपको देखने को प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ और आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो डीए आप देख रहे हैं, ये 8,246 रुपए आपको डीए मिल जाता है, यानी ये जो आपका बेसिक पे है ना 21,700, इसी में आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। ये ऐड करते करते उसके बाद आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है ये आपका 5,859 है और ये बढ़ करके 8,000 तक पहुंच सकता है, लेकिन तब डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हैं और किस मतलब आप ग्रामीण एरिया में अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपका जो एचआरए है, जो हाउस रेट रेंट अलाउंस है, ये थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद जो है, अगर आप किसी अच्छे मतलब कि ए ग्रेड सिटीज में हैं तो आपका वहां पे अलाउंस थोड़ा सा अधिक होगा। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस को देख लेते हैं दोस्तों, जिसको हम टीए कहते हैं, ठीक है। डीए हो गया ये आपका महंगाई भत्ता होता है और टीए जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ये आपको 2000 रुपए मिलता है पर मंथ। पीएफ और एनपीएस ये आपका डिडक्शन है, ये दोनों आपका डिडक्शन है, ठीक है। ये कटौतियां है, आपकी सैलरी से काटी जाती है आपके फ्यूचर सिक्योर को जो है कि करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका 5,598 रुपए ये आपकी सैलरी से काटे जाते हैं। तो दोस्तों, टोटल जो आपकी सैलरी बनती है ना वो 36,000 रुपए बनती है, इसमें आपका पीएफ और एनपीएस शामिल करके है। लेकिन अगर ये जो टोटल डिडक्शन है 5,598 जो आप देख रहे हैं पीएफ और एनपीएस, अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो लगभग मान के चलिए, ये तो मैंने लिखा है 30,500, लेकिन इतना आप जरूर मान के चलिए कि सारा कुछ कटौती के बाद भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, मतलब कि जिस महीने आप ज्वाइन कर रहे हो फर्स्ट महीने की जो सैलरी होगी वो 31,000 प्लस होगी। हो सकता है जब तक आप ज्वाइन करें तो ये 33,000 तक भी हो सकता है, क्योंकि अभी इतना जल्दी तो ज्वाइनिंग होनी है नहीं। आप जानते हो कि अभी इसका अप्रैल में फॉर्म निकलेगा, इसके बाद इसका पेपर भी कब हो कुछ पता नहीं है भैया, रेलवे इसका जल्दी इतना जल्दी पेपर होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो सैलरी, इसको आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मत मानना, ये एक अप्रोक्स है, ठीक है ना। मैंने लिखा हुआ है कोष्टक में अप्रोक्स। ये तो रही सैलरी की बातें, और अगर आप
बात करेंगे अगर स्टेट पुलिस ले लेते हैं यूपी पुलिस को ही, यूपी पुलिस की जो सैलरी है और आरपीएफ की जो सैलरी है, इसमें आपको 5 से 6 हजार का जो है डिफरेंसेस लगभग आपको दिखेगा, 6 से 7 हजार रुपए बड़े आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते दोस्तों कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। देखिए आपको डीए मिलता है, उसके बाद एसडीए मिलता है। एसडीए क्या है? स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। स्पेशल मतलब मान लीजिए कोई विशेष कोई ड्यूटी आपकी लगाई जाती है, मान लीजिए कोई अगर आता है या फिर कहीं और अगर आपको भेजा जा रहा है तो उसका पैसा अलग मिलता है आपको। इसके बाद आपको एचआरए, एचआरए मैंने बताया ही आपको, एचआरए भी आपको मिलता है। ये सिटी किस ग्रेड की सिटी में आप नौकरी कर रहे हो उसके उस पर डिपेंड करता है। टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपका एयर ट्रेवल फैसिलिटीज मिलता है। ये सब किसी में नहीं मिलता भैया, मेडिकल अलाउंस भी नहीं है यूपीपी में। फूड अलाउंस बहुत अच्छा मिलता है, फूड अलाउंस, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम वर्क, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम अगर आपसे वर्क लिया जा रहा है, जैसे अगर आप यूपी पुलिस में है तो आप कितना भी एक्स्ट्रा ले लिया जाए आपको उसके लिए पैसा नहीं मिलता अलग से, लेकिन इसमें है, इसमें अगर आपसे ना एक्स्ट्रा टाइम अगर वर्क लिया जाए तो उसका आपका पैसा बनता है रेलवे में। यही तो खास बात है, इसीलिए तो सब रेलवे के पीछे पागल होते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, जो आप वर्दी पहनोगे ना उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। खैर यूनिफॉर्म अलाउंस तो यूपी पुलिस में भी मिलता है, ठीक है, 3000 रुपए जो है पर ईयर यूनिफॉर्म अलाउंस है। ये यूनिफॉर्म अलाउंस ये साल में एक बार मिलता है, ये हर मंथ नहीं मिलता है। दिवाली बोनस ये भी साल में एक बार मिलता है। उसके बाद इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को, आपके परिजनों को जो है कुछ राशि दी जाती है जिससे कि उनका गुजारा भली भांति हो जाए। तो ये रहा आपका आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि आरपीएफ कांस्टेबल सर कैसा है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, भाई आरपीएफ कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, आप एक ही जोन में एक ही जगह पे पूरी नौकरी काट सकते हो, किसी प्रकार का कोई अस्थिरता नहीं है। आपका काम केवल यही है कि जो रेलवे की संपत्ति है और रेलवे में जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा, ठीक है, और उनकी संपत्ति की सुरक्षा, यही आपका काम है। और जैसा कि आरपीएफ का फुल फॉर्म भी होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। और ये रेल मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है और ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि रेलवे की एक बहुत शानदार फोर्स है। और इसमें सैलरी से लेकर के जो फैसिलिटीज है आपको रहने के लिए, आवास वगैरह सारा कुछ जो है रेलवे कॉलोनीज में, रेलवे कॉलोनीज होते हैं वहां पे आपको आवास वगैरह सारी चीज की सुविधाएं मिलती हैं। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी होती है और आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। और रेलवे हमेशा से ही जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयियों के लिए जो है कि बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित जो डाउट्स थे कि हाँ सैलरी कितनी होती है ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।